عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن العاص بن وائل نظر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك। हाज़रीन गिरामी सिलसिला हदीस सहीहा में हदीस नंबर 480 पर 4 और उसके अलावा मुस्नद अहमद, इब्न अबी शैबा, अबू दाऊद और बैहक़ी में ये रिवायत है। बहुत बेहतरीन हदीस है, ख़ुसूसी तौर पर ईसाले सवाब के ताल्लुक़ से और तौहीद की फ़जीलत और अहमियत और लफ्ज़ तौहीद का सबूत हदीस से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तौहीद, लफ्ज़ तौहीद का सबूत नहीं है, ये बाद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने बनाई है। बिल्कुल गलत बात है। लिसान नबुवत ने खुद कहा है तौहीद का लफ्ज़, इस हदीस में उसका सबूत है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा वो फरमाते हैं कि आस बिन वाइल ने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी। आस बिन वाइल कौन है? आस बिन वाइल, देखिए, अब्दुल्ला के बाप है अमर, अमर के बाप है आस, आस के बाप है वाइल। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, रावी हदीस अब्दुल्ला, ये भी सहाबी हैं, इनके बाप अमर भी सहाबी हैं और उनके दादा है आस, उनके दादा है आस। तो इनके दादा आस ने ज़माने जाहिलियत में नज़र मानी कि 100 ऊँट ज़बा करेंगे, 100 ऊँट ज़बा करने की नज़र मानी है। आस के 2 बेटे, एक है अमर, दूसरे हैं हिशाम, एक अमर एक हिशाम। आस का इंतकाल हो गया ज़माने जाहिलियत में ही, आस का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद वरासत में जब सारी चीज़ें 2 भाइयों में तकसीम हुई, ये जो बाप की नज़र थी, बाप ने नज़र मानी थी, बाप की नज़र भी 2 भाइयों में तकसीम हुई कि भाई तू भी बाप की तरफ से 50 ऊँट ज़बा कर देना, मैं भी 50 कर दूँगा, डिवाइड कर लिए। उसके बाद हज़रत अमर इस्लाम कबूल कर लिए। उनका दूसरा भाई था हिशाम, वो इस्लाम कबूल नहीं किया। हिशाम ने क्या किया? अपने हिस्से के 50 ऊँट ज़बा कर दिया। हिशाम ने अपने हिस्से के 50 ऊँट ज़बा कर दिया। वो तो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। और आस के दूसरे फर्जंद हज़रत अमर इस्लाम कबूल कर लिए। उन्होंने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, सहाबी है ना, तो काम करने से पहले नबी से पूछ लेंगे। उन्होंने नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल, माजरा ऐसा है, हमारे वालिद ज़माने जाहिलियत में नज़र माने थे, हम 2 भाइयों में तकसीम हुआ 100 ऊँट 50-50 करके, मेरे भाई ने 50 ऊँट ज़बा कर दिया, वो काफिर है। अब मेरे हिस्से में 50 है, क्या मैं अगर ये 50 ऊँट मेरे वालिद की तरफ से ज़बा करूं, क्या मेरे बाप को फ़ायदा होगा? ये बहुत अहम सवाल है। किसके बाप? सहाबी रसूल का बाप। इस्लाम के पास कोई हसब नसब, कोई कबीला ख़ानदान कुछ नहीं देखा जाता है। इस्लाम का अपना, उसका अपना अक़ीदा, ईमान, उसके तक़वा और उसके आमाल को ही देखा जाता है। नबी ने फरमाया, देखो, वन्ना अमरन साल नबिया, नबी से सवाल किए अंदाली, किसके ताल्लुक़ से? नबी ने फरमाया, यहाँ देखो तौहीद का लफ्ज़ है। नबी ने कहा कि भाई अम्मा अबू का, रही बात तुम्हारे बाप की, फलो काना अक़र्र बित्तौहीद, ये तौहीद का लफ्ज़ है। देखो नबी ने खुद फरमाया, अगर तुम्हारे बाप तौहीद का इकरार किए होते फिर तुम फसुमत व तसद्दक़त अन्हु, और तुम उनकी तरफ से रोज़ा रखते, सदका करते, खैरात करते, नेकियां करते, तो नफ़ाअहु ज़ालिक, ये तुम्हारे बाप को नफ़ा पहुंचाता। क्या मतलब हुआ? तुम्हारे बाप ने तौहीद का इकरार नहीं किया, शिर्क की हालत में वफात पा गया है, अब अगर तुम लाख उनकी तरफ से सदका खैरात करो फ़ायदा होने वाला नहीं है, फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये बात याद रखिए कि मरने वाला जो मर गया उसको किसी और का सवाब पाने के लिए, उसको इसाले सवाब के लिए, औलाद की नेकियों का बदला पाने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए खुद तौहीद पे मरना ज़रूरी है। जो तौहीद की हालत में नहीं वफात पाया है वो नहीं पाएगा। कभी कभार जो है दुआ की दरख्वास्त आती है, अननोन, पता नहीं है कि कौन है, इंतकाल हो गए, मगफिरत की दरख्वास्त होती है, तो मैं तो माजरत के साथ शर्तिया दुआ करता हूँ, अगर तौहीद की हालत में वफात पाए तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, वरना नबी को भी इजाज़त नहीं है अपने सगे चचा शिर्क की हालत में वफात पाए उनकी मगफिरत करें। चचा तो दूर की बात है, नबी को अपनी वालिदा की मगफिरत करने की इजाज़त नहीं मिली। हाँ, सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे थे, एक जगह पड़ाव डाले, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या माजरा है? देखो जी, वो मेरी वालिदा की कब्र है, बचपने में वालिदा को छोड़ा, सफ़र के दरमियान उनका इंतकाल हो गया था, वापस आ रहे थे, दरमियानी रास्ते में इंतकाल हुआ, वहाँ दफन कर दिए। आज मेरी वालिदा मुझे याद आ गई, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी वालिदा की मगफिरत की इजाज़त दे दे। अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम्हारी वालिदा शिर्क की हालत में वफात पाई है, तुम उनके लिए मगफिरत नहीं कर सकते हो। अल्लाह अकबर! सोचे, नबी है, कायनात में सबके चहीते अल्लाह के चहीते हैं, सब में अफजल इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला नबी को भी इजाज़त नहीं दिए। फिर कहा, उसी गम में मैं रो रहा हूँ, कम से कम अल्लाह से यह दरख्वास्त की, अल्लाह मेरी वालिदा की कब्र की ज़ियारत, दुआ तो मैं नहीं करूँगा, ज़ियारत की इजाज़त दे दे, जाके देख के आओ, विज़िट कर लूँ। अगर ठीक है, जाके देख कर आ सकते हो, लेकिन ज़ियारत नहीं कर सकते हो। ये रिवायत मुसनद अहमद और अबू दाऊद की सही रिवायत है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, एक सहाबी ने आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, आइना अबी, मेरे बाप का ठिकाना कहाँ है? कहा कि वह फिन्नार, ज़माने जाहिलियत में वफ़ात पाए, वो जहन्नम में। बहुत दिल दुखा और बेजार होके जा रहे थे, नबी ने फील किया, इधर आओ। कहा कि देखो, सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं, इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, मेरे बाप तुम्हारे बाप दोनों जहन्नम में। सही मुस्लिम की हदीस है ये। अल्लाह के पास हसब नसब, ख़ानदान, कबीला नहीं चलता। नबी का बाप भी हो, चचा हो, माँ हो, बेटे हो। नूह का बेटा आंखों के सामने डूबा, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, नबी हो, तुम्हारा बेटा मेरा दुश्मन है, नहीं चलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के बारे में भी मैंने इससे पहले कहा है, सही बुखारी की हदीस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप कल रोज़ क़यामत आएंगे, बेटा मुझे बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जज्बात से मगलूब होकर, बाप है ना, अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह मेरे बाप को आज बचा ले। अल्लाह कहेगा, नहीं, ये तेरा बाप होगा लेकिन मेरा दुश्मन है, तुम मेरे दोस्त हो, खलील हो। देखो तुम्हारे बाप का क्या हशर करता हूँ। कहा जाएगा, उनके बाप को हाइना की शेप बना दो, हाइना एक जानवर है, गंदा जानवर है। और कहा जाएगा, उनके पैर और पेशानी के बाल पकड़कर जहन्नम में डाल दो। उसके बाद इब्राहिम से कहा जाएगा, ये तुम्हारे बाप का अंजाम मैंने किया। अल्लाह अकबर! देखो, हसब नसब, ख़ानदान, कबीला। सबसे अजीम इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद सबसे ऊंचा मुकाम इब्राहिम अलैहि सलाम का, और दुनिया के पहले रसूल हैं नूह अलैहि सलाम का। इससे बढ़ के और क्या मिसाल चाहिए आपको? इससे बढ़ के और क्या मिसाल चाहिए? जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ के हाथ पे बैयत कर लिए, जन्नत का ठिका दे दिए हैं, फ़लाँ के सज्जादा नशीनी इख्तियार कर लिए, फ़लाँ ख़ानदान कबीले से हैं, फ़लाँ के हैं, कुछ नहीं चलने वाला, याद रखो। हाँ, अल्लाह के पास अपना ईमान व अकीदा और अमल ही चलेगा। नबी ने फरमाया ये सहाबी के बाप हैं, सहाबी रसूल के बाप हैं, पोता सहाबी हैं, बेटा साहबी है। कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप अगर तौहीद का इकरार किए होते तो उनको फ़ायदा होता। तौहीद जो नहीं है कुछ भी नहीं है, तौहीद ही असल है, यही अव्वल है, यही आखिर है, इसी की वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया है। तौहीद जब ख़त्म कायनात भी ख़त्म। अल्लाह ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने कायनात इंसो जिन्नात को सारी चीज़ों को पैदा किया मेरी इबादत के लिए। और कुरान में जब अल्लाह की इबादत कहा जाए तौहीद मुराद है, तौहीद के लिए कायनात इंस और जिन्नात को पैदा किया है। और नबी ने क्या फरमाया, जब रूए जमीन पर एक तौहीद परस्त रहेगा, एक अल्लाह कहने वाला होगा, क़यामत आएगी नहीं। क़यामत कब आएगी, जब रूए जमीन पर एक बंदा भी तौहीद वाला ना हो, दुनिया खत्म। तौहीद के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई, तौहीद ख़त्म दुनिया ख़त्म। सारे नबियों को अल्लाह ने तौहीद के लिए भेजा है। और याद रखो दावत का आगाज़ भी इसी से होना चाहिए, कब्र में पहला सवाल भी इसी के ताल्लुक़ से ही होगा। अव्वल आखिर वाजिब यही है। याद रखिए मेरे भाइयों, तौहीद वाले बन जाओ, इसके बड़े फ़ायदे हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको तौहीद परस्त बनाएँ, तौहीद वाले बनाएँ। अल्लाह तो हमारे आल औलाद को शिरक से महफूज रख, हमारे आल औलाद और तमाम खानदान कबीले को तौहीद के मतवाले बना दे। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।